बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक औरत ने सड़क पर एक बेघर बूढ़े शख्स को भीख मांगते देखा, जिसके बाल बढ़े हुए और कपड़े फटे हुए थे। उस रात ठंड भी बहुत ज्यादा थी और उस बूढ़े शख्स ने फटा हुआ कोट पहना हुआ था। औरत को उस शख्स पर तरस आया और उसकी मदद करने के लिए रुक गई। औरत की खैरियत पूछने पर बुजुर्ग ने सोचा कि शायद वो उसका मजाक उड़ाने का इरादा रखती है, इसलिए वो उस औरत से दूर चला गया। औरत दोबारा उसके पास आई। औरत ने पूछा, क्या आपको भूख लगी है? तो बुजुर्ग ने हाँ में जवाब दिया। जैसे ही दोनों करीब में मौजूद रेस्टोरेंट में जाने लगे, वहाँ के मैनेजर ने दाखिले से रोक दिया और कहा, यहाँ बेघर अफराद का दाखिला मना है। बूढ़ा शख्स जो इस रवैये का आदी था, मायूस होकर वापस जाने लगा। इतने में उस औरत ने मैनेजर से सवाल किया, क्या आप इस बैंक स्टाफ से वाकिफ हैं जो इस सड़क के किनारे पर वाकिफ है? मैनेजर ने कहा, हाँ, वो तो हर हफ्ते हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने और मीटिंग के लिए आते हैं। औरत ने कहा, आप लोग तो फिर उससे काफी मुनाफा कमाती हूँ। मैनेजर तलखी से जवाब दिया, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? औरत बोली, मैं इस बैंक की मैनेजर हूँ। मैनेजर ने एक लफ्ज भी मुंह से निकाले बगैर अंदर आने का कह दिया। बैंक की मैनेजर के रवैये को देखकर बूढ़े शख्स ने हैरानी से पूछा, आपने मेरे लिए ये सब क्यों किया? बैंक की मैनेजर बोली, मैं भी एक बेघर लड़की थी, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ ज्यादा नहीं होता था, और जब कभी मेरी अम्मी कुछ पैसे जमा करती थी कि हम रेस्टोरेंट में खाना खा सकें, तो हमसे भी इसी तरह का सलूक किया जाता। जिस दिन मैं बैंक की मैनेजर बनी, उस दिन से मैंने ये अहद कर लिया था कि मैं किसी भूखे शख्स को खाना खिलाने का मौका जाया नहीं करूंगी। इस हिकायत से ये सबक मिला कि किसी को हकीर नहीं जानना चाहिए और हम सब बराबर की मोहब्बत के हकदार हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।